है भाई, चाय देना। लॉयर, कृष्णा जी का क्या हाल होने वाला है? अरे 100% उसका बिल हो जाएगा। अरे वकील, ये तुम्हारा काम नहीं है। जब तक हमारा भवानी है, ये पुलिस वुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस कृष्णा को हर वक्त मस्ती लगी रहती है। जाने दो, चलो हटो। लगता है पागल गाने से छूट के आया है। अरे छोटा हाथी, चल निकल, चल चल। नहीं ना, बेफिक्र रहिए। अगले महीने की 7 तारीख को। अगली 7 तारीख को। थैंक यू सर। बैंग बैंग। डार्लिंग। नटखट। ये क्या वकील साहब, हमारा नंबर पहले था। टाइम कितना हो गया? ओए इधर आ, इधर आ, इधर चल भाई, इधर चल, इधर रुक, 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 ओए ओए ओए, अरे वकील साहब, अरे जज साहब मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मारा लेंगे। अरे 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 छोड़ो यार, अरे चल भाई, छोड़ यार भाई, छोड़ दो भाई यार, यार के हाथ जोड़ दो। अबे हट, अबे छोड़ यार, अरे छोड़ दो भाई, मत मारो भाई, भाई छोड़ दो, छोड़ दो तू, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो भाई, मेरे को नहीं नहीं भाई, नहीं मुझे छोड़, मुझे मत मारो, नहीं कृष्ण। हमारे भाई कृष्णा को मार डाला, हमारे भाई कृष्णा को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला, मार डाला। इस वक्त तो लोगों के पास जाना खतरनाक है भवानी, हम भी उनकी तरह मौका देखकर चौका मारेंगे। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, छुपकर वार करना कभी मेरे फितरत में था ही नहीं। पाकिस्तानी नहीं हूँ मैं, आज या तो इस पार या उस पार। चलो यहाँ से। लदान कह रहा है ना, चल जा। कृष्णा मेरा आदमी था, उसने ही मारा है ना, मुझे सिर्फ वही चाहिए। Thank you.
किस मैंने स्टडी कर लिया देखा मैंने ठीक है मैं बात करता हूँ बाद में आपसे ठीक है अना भाई भाई अना पांडू को उसने मार दिया किसने भाई उसी भवानी ने अरे वो बच्चा प्रधानमंत्री के पास जाकर पंचायत के झगड़े मुख्यमंत्री के पास जाकर म्युनिसिपैलिटी के झगड़े की बात नहीं करते एसपी साहब दिन दहाड़े कोर्ट में हत्या हुई है कोर्ट के अंदर नहीं सर कोर्ट के बाहर नेक्स्ट कुछ भी हो सर जान तो गई है ना तो हम क्या करें सर तहकीकात तो चालू है ना इसमें तहकीकात करने वाली क्या बात है लदान ने तो खून करवाया क्यों भाई लदान ने खून करवाया तुमको भाई दोगे चलो इसमें हमें क्यों घसीट रहे हमें क्या पता भैया पब्लिक भी ऐसा ही बोल रही है सर वो जो गुंडा भवानी उसके बारे में आप क्या कहेंगे अरे यार तुम सब उसको बेवजह गुंडा क्यों बना रहे हो सोमनाथ के साथ घूमता था बाद में मालवानी को ज्वाइन किया मालवानी अंदर है तो अपना गैंग बनाकर घूम रहा है हाँ ओके सर चिरंजीवी की इंदिरा पिक्चर देखी है बढ़िया एक्टिंग की है बढ़िया एक्टिंग तो करेगा ही ना सिनेमा का हीरो जो है मैं भी चिरंजीवी की तरह रोमांटिक एक्टर होता तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ डुएट गाता हाँ यह जरूर सर ओ वाइंडिंग हो गया क्या ड्राइवर जरा जाके इनसे पूछो जा जा भाई जल्दी कर भवानी भाई किधर है भाई मुझे क्यों मारा क्या पूछा था तूने भवानी का घर कहाँ इसने पूछा क्या पूछा था तूने इसने ही तो पूछा कहाँ वहाँ से यहाँ आकर मुझसे पूछता है भवानी कहाँ है अरे लेकिन मुझे क्यों मार रहे हो अगर चाहिए तो अपने आप को कैंची से काट काट कर कतल लो मुझे क्यों मार रहे हो एक बात बता तिरुपति जाके कोई पूछता है क्या कि भगवान किधर है जम्मू जाके कोई पूछता है कि वैष्णो देवी किधर है शिरडी जाके कोई पूछता है क्या साईं बाबा किधर है मुझे जाके क्यों पूछा कि भवानी का घर कहाँ है Come in. क्या चाहिए अरे मर गया भवानी का घर किधर है चर्च के पास की जो मार्केट है बहुत पंगे वाला एरिया छोटे लोगों को तो हमने वहां से हटा दिया ऐसा ही साहब ने कहा है अभी वहां की दुकानें खाली करनी होगी और वहां पर किसी को पैसा नहीं देना And भवानी भाई मार्केट में सारे आदमी अपने 10 लाख पूरा सिंगल पेमेंट उस बस्ती में कितने लोग हैं करीब 100 लोग हैं अपन को कितना मिलता है महीने में एक दुकान से वहां से अपने को 500 रुपए मिलता है तकरीबन 5000 के आसपास अपने को वहां से हर महीने मिलता है दशहरा और बाकी के त्योहारों को मिलाकर 10 लाख तो हो ही जाता होगा है ना तू लोगों को स्वीट खिलाकर उनका पेट काटना चाहता है मार्केट ने मुझ पर विश्वास नहीं किया है मैंने मार्केट पर विश्वास किया
चल फुट ले चल। मतलब ये कि भवानी से काम नहीं होगा। चल उठ यहाँ से, ज्यादा बोलेगा ना तो ऊपर चला जाएगा। चल निकल यहाँ से, निकल। ए बाप जी, किसने किसने भेजा से? किससे बात करना जानता नहीं है साला? फोन कर साले को। तेरी मेरा नाम अन्नम्मा है बेटा, मेरी आरती हो गई है, दुनिया में बस वही है, भीख तो मैं मांग नहीं सकती, इसीलिए आप लोगों के पास मांगने आई हूँ, कुछ काम भी मैं हमारे पास क्या काम होता है माँ, बस चाकू दे दो, आदमी को मारो। चाकू मुझे दो बेटा, मैं किसी को मार तो नहीं सकती, सब्जियाँ काट कर खाना तो बना सकती हूँ। हमारा खाना तो डेली होटल से आता है, तो तुम क्या करोगी बेटा? माँ के हाथों से बना स्वादिष्ट खाना तुम किसी होटल से नहीं खरीद सकते। अरे अम्मा, तेरे को ठीक से दिखता नहीं है, खाना क्या बनाएगी तू? खाना बनाने के लिए हाथ ही काफी है, बस मुझे काम दो बेटा, जब तक मर नहीं जाते जीना पड़ेगा। एक राजा। तुम्हारे भाई ने काम दे दिया है। अरे मोटू बैग ले ले, जाकर अलमारी में रख दे। अरे ये ऑमलेट है कि क्या है? हटो हटो, आज से तुम्हारा काम नहीं है, जाओ 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 जाओ। हाँ, और जाकर भेजा लेकर। भेजा लेकर आऊं? अरे चिकन लेकर आ रहे। ओहो। बिल्कुल अनाड़ी है। अरे इसे ये भी पता नहीं कि कौन से तेल से बनाया जाता है। चलो पाँव पड़ो, पाँव पड़ो। नमस्ते भाई। ओके 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 ओके। कौन है? नया नया काम पे आया भाई। एक्सपीरियंस क्या है? कुछ नहीं है, न्यू कमर है, फ्रेश। एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी ज्वाइन करने आया? मिनिस्टर का पोस्ट है क्या? मैकेनिक का पोस्ट है, एक्सपीरियंस जरूरी है। मतलब मैकेनिक के पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी होता है, समझा? भाई नमस्ते। नमस्ते। मेरी शादी है भाई। तुम्हारी शादी? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। लड़की अच्छी है क्या? हाँ। पहले सुहागरात है क्या? लड़की को पहले से कोई एक्सपीरियंस है क्या? आप नहीं कहा था कि कोई काम के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, फिर इसने क्यों मारा? शादी से पहले एक्सपीरियंस होता है क्या? पैसे देने तो ये लोग मुझे मार देंगे भाई, किधर भागता है? चल मालिक के पास चल, वही तेरे को क्यों मार रहा है? चल रुक, हमारे एरिया में आकर हमारे आदमी को मारने की तेरी हिम्मत कैसे होगी बता? ये एरिया तो क्या आखिर मुंबई में किधर भी रहने, ढूंढ के निकलेगा क्या? ले चल इसे। तू बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, ये एरिया किसका पता तुझे? किसका एरिया रे? किसका एरिया? भवानी का एरिया है, समझा? कुछ बंद कर ले रे। ए शटर गिरा ले, शटर गिरा ले, कोई भी जाने ना पाए, कोई भी जाने ना मेरे एरिया में। ए लेके दो इसे। ए क्या हुआ रे, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ, क्या लफड़ा चल रहा है यहाँ पर? बोल रहे बता, नहीं करता है क्या? बता बोले भाई, ये अपने एरिया में आकर अपने आदमी को मार रहा था। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता तुम्हारा एरिया था भाई। इसने हमारे सेठ से पैसे लेकर ऑटो खरीदा भाई, छह महीने से इंस्टॉलमेंट में नहीं भरा और हमसे छिपता फिरता है भाई। हमारे सेठ ने कहा ऑटो लेकर आओ भाई। नहीं मारा क्या? नहीं मारा। क्यों नहीं मारा, धंधा नहीं हो रहा क्या? नहीं भाई, वो मेरी वाइफ को डिलीवरी हुई ना, इसलिए हॉस्पिटल और दवाई में काफी पैसा खर्च हो गया। सेठ को बोला है क्या? बोल के कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुनने वाले। अभी क्या करेगा तू? दो महीने का टाइम देगा तो भर दूंगा। चल सेठ को बोल दे, दो महीने के बाद भर देगा भाई। अगर हम ऑटो लेकर नहीं गए हमारी नौकरी चली जाएगी भाई। ठीक है, मैं सेठ से बात करता हूँ। भाई थोड़ा समय हाथ में लेके बात करना। भाई 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 क्या है, मारवाड़ी की शादी में हम लोग भी चलेंगे ना भाई, वहाँ बहुत सुंदर लड़कियाँ होंगी भाई। चल ठीक है, बैठ रहे चल रहे, अरे आ जाओ आ जाओ, चल तेरी। हटो हटो, चलो तुम लोग यहाँ पे क्या करो, फैमिली वाले बाहर से देखो। चलो सुना, पीछे से आ। भाई भाई मैं अंदर आऊंगा, सेठ मुझे मारेगा। तू नहीं आएगा ना साले, मैं मारूंगा। चल नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए जमाई राजा। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। हाय एवरीबॉडी। हाय। हाय कैसी हैं? और वाह, ये मिठाई की दुकान है क्या? खा लो। अरे रुको मैं निकाल के देता हूँ। रुको, मेरे को बोलो ना, मैं देता हूँ ना। ये लो, ये सब एक किलो दे दो। क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब क्या लगा कर रखा है? कुछ नहीं भाई, साल में एक ही बार तो ऐसा त्योहार आता है,
वो होली है, हम लोग शरीर पे रंग लगाते हैं, ये लोग दीवारों पर रंग लगाए हैं। कुछ नहीं भाई, इसका दावा फॉरेन से आया है, इसलिए ये सब। अरे कहीं से आया हो, सेठ का है। जीते रहो बेटा, अंदर जाके आराम करो, जाओ जाओ जाओ। हाँ सेठ, मानिकम। अरे मानिकचंद बोल, कब देगा मेरे पैसे? अरे कितने दिन से लिया है? अरे सेठ, ये मेरा पहचान वाला है, मेरा दोस्त है ये। अरे अरे अरे, पानी पियो, आपको तो पता है आपको बीपी है। अरे मानिकचंद, मेरे पति को परेशान करता है। बाजू में बोल, मुझे पैसा चाहिए। अरे सुन बोल, मुझे बात नहीं चाहिए, मुझे बात करनी, मुझे बात नहीं चाहिए। शांति शांति सुनिए। अरे भागो भागो। अरे सुन, जाने कहां से आ जाता है। मुझे बात नहीं चाहिए, मैं हूं ना, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बात नहीं। ऐसे चुप होकर मेरी बात सुन, मैंने कहा ना मैं पैसा दूंगा, क्यों चिल्ला रहा तू? इतने सालों से धंधा कर रहा, पता नहीं क्या तुम इससे बात करो। ए तू बीच में नहीं बोलेगी, चुप हो जा। अरे कहां से ढूंढा नमूनों को तूने? तू कहां से आ गया हमें परेशान करने के लिए? आप फिक्र मत करो बिल्कुल भी। हेलो हेलो, यहाँ पे किसी को तेलुगु आती है क्या? तेलुगु, किसी को तेलुगु आती है यहाँ पर? मुझे आती है। कौन है ये? जरा सामने आएंगे। बोलिए, मैं उनकी बेटी हूँ। दिस इज मानिकम, आई भवानी, मानिकम बोरो ऑटो फ्रॉम फादर, मानिकम टेक मनी, सो बट मेनी प्रॉब्लम वाइफ डिलीवरी, और मानिकम माई एरिया, फादर राउडी सेंडिंग, बट मानिकम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। हेलो, यहाँ किसी को हिंदी आती नहीं क्या? मुझे आती है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मुझे भी आती है। hey, Actually, मानिकम, बस बस बस, मैं मामला समझ गई, पिताजी को मैं मना लूंगी। पैसे की गारंटी तुम देते हो? हाँ। कब दोगे? आपकी मर्जी। मर्जी नहीं, ये कल ही मांग लेगी तो। One month, one month. अगले महीने की एक तारीख को। ओके ओके, ठीक है। हाँ। वो क्या है ना, मेरे पिताजी को सबके सामने बात करना पसंद नहीं है। नहीं नहीं, गो 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 गो, जाओ जाओ। ओके ओके, देखेंगे, मैं छोड़ूंगा उसे। हाँ, हम वसूल करेंगे। हाँ। पापा, मैं ना इन लोगों को जानती हूँ, ये आपके पैसे लौटा देंगे, इस बारे में माफ कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा 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 अच्छा, ओके। पापा भी मान गए, आप जा सकते हैं। पहचान वाले। हेलो, आपका नाम क्या है? भवानी। ओह नाइस नेम, चलता हूँ। आपका नाम नहीं बताया? मनीषा, मनीषा नत्थूलाल। अच्छा अच्छा, नाइस मीट। बेटा क्या मिर्ची ज्यादा हो गई? बेटा डाल दिया होगा, तुम्हारा क्या, आंखों से कम दिखाई देता ना। ए, तुम लोग चुप रहे। अम्मा तूने बता ही दिया कि डब्बे में हो, दुआ में क्या फर्क होता है? ए, खाना खा ले। अगर तुम लोग बचपन से माँ के हाथ का खाना खाते तो गलत रास्ते पर नहीं जाते। ये क्या, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ, तू मेरी खींच रही है? मैं तो बस कह रही थी तुम्हारी माँ होती तो कितना अच्छा होता है ना। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सब्जी दे। बेटा ये लंगड़े को बोल थोड़ा सा कम खाए। अरे मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, कल कुछ झगड़ा हुआ था, तुम्हें भागना पड़ेगा ना, वैसे पुलिस वाले बहुत भगाते हैं, मारते ही हैं। अरे ये कितना टाइटर खुल गया है। भवानी का घर कहाँ है? ठहरो। क्या रे, ये पूछ रहा है कि भवानी का घर कहाँ है? ऊपर से इधर आकर पूछ रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत। अरे 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 अरे, अपने आप को क्यों मार रहा है? तिरुपति जाकर कोई पूछता है वेंकट भगवान कहाँ है? शिरडी जाकर कोई साई बाबा के बारे पूछता है कहाँ है? अरे अरे, साई बाबा के बारे पूछता है कहाँ है? अरे अरे, रुक रुक रुक, भवानी का घर चाहिए मुझे? नहीं, मैडम को चाहिए। अरे तू देख रहा है ना, ये कमल का फूल की तरह कैसी कोमल है। अरे बाप रे, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। सुपर मैडम, आप फिल्मों में काम करती है ना, अभी कौन सी फिल्म में काम कर रही हैं? आपका हीरो कौन है? चिरंजीवी है, नागार्जुन है, या बालकृष्ण है, या वेंकटेश? भवानी का घर कहाँ है? आपकी हीरोइन आपको ढूंढ रही है। हिंदी लड़की है? अरे बाप रे,
भवानी भाई, लेडी, बारवारी। ऊपर ला, ऊपर ला, चल चल। क्या नहीं? अरे सबको हटा इधर से, हटा हटा। अरे हटा ना। अरे अरे मेरे को बोला था आने वाला वो। अरे इनको हटा इधर से। ए चलो चलो, ए चलो नीचे जाओ, ए जाओ 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 इधर से। अरे चल 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 चल, अरे चल, अरे जाओ जाओ, अरे जाओ इधर से, जाओ जाओ जाओ। तू भी जा, तू भी। मैं भी। अरे तू जाना भाई। हाँ तू बैठ। अभी देख अभी क्या बोल रहा था मैं। भाई भवानी भाई बस। अरे आजा आजा। हाँ हाय। आप? अरे भूल गए, उस दिन मेरे पापा ने पैसे दिए थे। आ, 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 अरे क्या हुआ उस दिन? मैंने आपको देखा ही नहीं तो पहचान था कहाँ से? उस दिन फंक्शन था ना, इसलिए दूसरी ड्रेस में थी। मेरा पैसा लाओ, वापस करो। आपको पैसा किस लिए? आपने खाना खिलाया, पानी पिलाया, आसमान तोड़ा या पहाड़ गिराया, कोई काम ही नहीं किया तो पैसा किस लिए? आप बताइए कितना हुआ, मैं दे देता हूँ। ओके 7,720 रुपए। एग्जैक्टली 4,420। नो नो नो, आई मीन टू से 7,720। ये लीजिए। 200, 300। अभी तक तुम लोग इधर ही हो क्या? एक बात कहूँ, दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम हैं। यू आर रियली ग्रेट। वैसे आप लोग दिखने में बहुत डिसेंट लगते हैं। वैसे आप लोग ऐसी जगह क्यों रहते हैं? अरे वो क्या है कि हवा खाने चले आते हैं। हाँ, यहाँ बहुत अच्छी हवा आती है। वैसे आप काम क्या करते हैं? उधर का, इधर, इधर का, उधर। ओ कह रहा है कि हम लोग कॉलेज जाते हैं। नाइट कॉलेज? हाँ, दिन में कॉलेज कहाँ जाएंगे हम लोग। अरे टाइम नहीं है। 6 to 7 योगा क्लासेस, 8 to 10 डांस क्लासेस, 11 to 12 फैशन डिजाइनिंग, 2 to 4 कुकरी क्लासेस, 5 to 6 ड्राइविंग क्लासेस। इसीलिए मैं नाइट कॉलेज जाती हूँ। आप क्या करते हैं? मैं भी सोच रहा हूँ कॉलेज ज्वाइन कर लूँ। तुम जाओगे नाइट कॉलेज? तुम सबने सुना ना? आप कौन से कॉलेज से हैं? सेम कॉलेज। सेम कॉलेज? सेम ग्रुप। अच्छा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो फिर क्लास में मिलते हैं। इसे क्या करना है? भाई को बीए करना है। क्या कहा? भाई खुद बीए में जाकर पढ़ेंगे क्या? हाँ। अरे ये तो बेइज्जती वाली बात है। सुनो, 5,000 मुझे दो, मैं डिग्री घर पे पहुंचा दूंगा। और 10,000 दोगे तो मैं एमए की डिग्री घर पे पहुंचा दूंगा। 15,000 दोगे तो उसके बाप की भी डिग्री घर पे पहुंचा दूंगा। और अगर कुछ बचता है तो वो भी पहुंचा दूंगा। 20,000 दे दो। जल्दी से पहुंचा देगा ना? अरे इमीडिएटली पहुंचा दूंगा। वेरी गुड। तेरी शादी हो गई? हाँ हो गई। बीवी है क्या? है, लेकिन मैं उसको नहीं भेजूंगा। उसको भेजने के लिए कौन बोल रहा है? सपोज सुहागरात के दिन तू घर में गया होगा, तेरी बीवी तुझसे बोली होगी, तुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, तू बाहर जा, पैसे लेकर किसी को भेज दे, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, चलेगा क्या? हम लोगों को देखकर लोग सोचते होंगे कि हम लोग गणपति का चंदा मांगने आए हैं भवानी। ओके ओके सर, ये मेरा दोस्त है, आपके नाइट कॉलेज में ज्वाइन होने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है सर, साथ में रिकमेंडेशन लेटर भी है सर। ये बता रहे सर, ये पिछले बार के इलेक्शन में दंगे करवाकर अपोजिशन पार्टी को हराने वाले रूलिंग पार्टी का सिफारिशी लेटर है सर। ये देखिए कॉर्पोरेशन अपोजिशन वाले एमएलए का लेटर है सर। ये देखिए महानगर वालों का लेटर है। महानगर का नहीं है, ठीक से देख। जनसभा, जनसभा सर ये। ए, बस कर। अरे भाई भवानी, तुम हमारे कॉलेज में पढ़ने आए, यही बड़ी बात है। तुम्हारा एडमिशन कार्ड मैं डायरेक्ट तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, अभी आप यहां से चले जाइए। अरे बगिया, ये गोल्ड है क्या? भवानी क्या कह रहे हो तुम? सर ये कह रहा है कि आपका कॉलेज स्पोर्ट्स में हमेशा जीतता है। इतने सारे गोल्ड यहाँ रखने से अच्छा है कुछ गोल्ड हम भी अपने घर में ले जाकर रखे तो। अरे ले जाओ ले जाओ। अरे भवानी तुम ले जाओ ले जाओ। चलो ले जाते हैं। बेटा बेटा, मैंने सुना है कि तू रात को स्कूल में पढ़ने जाता है। स्कूल नहीं है, इवनिंग कॉलेज है। अच्छा अच्छा, इवनिंग कॉलेज। अरे तेरा हाथ कैसे कट गया? अरे कटा वटा कुछ नहीं, वो बाजू वाले घर में बर्तन धोती हूँ ना, इसीलिए छाले पड़ गए। अरे क्यों बर्तन धोती है वहाँ पे? क्यों बाबू, सब्जी खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना। सब्जी के लिए पैसे? ए पकिया, तू पैसा नहीं देता है क्या? पैसे देते हैं। गुंडागर्दी के पैसे लिए नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसी पैसे से खाना खाओ।
मुझे खिला रही है? मैं तेरे पैसे का खा रहा हूँ, चल निकल यहाँ से। नहीं, ये निकल। बात नहीं। क्या बात है फिर? मुझे अच्छा नहीं लगता। कहा बेटा, तुम्हारे बारे में नहीं बोला। मेहरबानी करके मुझे ऐसे मत निकालो बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहो ये रहो। बेटा, क्या अपने घर में हम लोग बड़ा सा टीवी ला सकते हैं? किस लिए? इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और न्यूज देखना जरूरी है ना। उसको देखो, वो मोटू को भी नहीं दिखाई देता, वो कहना छोटा है। टीवी बड़ा टीवी ठीक है, ये सब क्या है? आज का दिन हमारे लिए त्यौहार से कम नहीं है ना, अभी ये पटाखे पट बढ़ेंगे। और ये क्या है? 1 लाख पटाखों की लड़ी है, जब ये फटेंगे ना पूरे कॉलेज को पता चलना चाहिए कि भाई आज कॉलेज आ रहे हैं। बंद करो इसको। भवानी, भवानी भाई, अरे मेरे आईडी की, अरे बेकार का आईडिया ये। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अंदर कॉलेज में। अरे ये कॉलेज है, तुम लोग बाहर बैठो। भाई आप क्या कह रहे हो, ये दूसरे का एरिया है, कहीं आपको कुछ हो गया तो आपके साथ हम भी कुछ सीख लेंगे। ओके ओके, मैं कौन हूँ कॉलेज के अंदर नहीं पता चलना चाहिए। तुम लोग कौन हो? तुम लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। ओके, अंदर आया तो मारूंगा। इधर ही रुक, इधर बैठना। पीछे पीछे। इधर कहाँ जा रहा है बे? क्लास में। अरे इस उम्र में क्लास में जाके क्या करेगा? वहाँ जाकर चार अक्षर, चार किताबें पढ़ के क्या करने वाला है? बी इकोनॉमिक्स कहाँ पे बता? वो मेरी क्लास है। तुम्हारा नाम क्या है? भवानी। बहुत ही अजीब नाम है। मेरी डिग्री कितनी है पता है तुम्हें? है? सुनो, एमए बीए। तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो कि ऊपर से नीचे जा रहे हो? नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। अरे बीए के बाद एमए का क्या है? मैंने अपनी डिग्री बताई, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। फिर क्या है तू? मैं तो लेक्चरर हूँ सर। I'm sorry sir, I'm really sorry sir. Good evening, good evening. Hey, first day, first class है, lecturer को wish करो, चलो। भवानी, एक बात बोलूं? अगर तुम और मैं दोस्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा ना? तुम्हारी मेरी जोड़ी कैसी रहेगी? हिंदुस्तान पाकिस्तान, नाम मिलता है लेकिन देश नहीं मिलते। दोस्तों कामनी का विश करो। फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट लेसन। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है इकोनॉमिक्स छोड़ो, पॉलिटिक्स पढ़ो। एक्सक्यूज मी सर, इकोनॉमिक्स क्लास में पॉलिटिक्स का चैप्टर? दरअसल इस पॉलिटिक्स से ही हमारा कॉलेज चल रहा है बेबी। बैठ जाओ, अब दोबारा मत उठना। अरे बाप रे! ये क्या बात है, पहले दिन ही तुम लेट आ रही हो। सॉरी सर, ऐसे काम नहीं चलने वाला। नाइट कॉलेज में इस तरह लेट नहीं आना चाहिए। सुनिए ना सर, मुझे ना आज ब्यूटी पार्लर जाना था और इसीलिए मैं लेट हो गई सर, प्लीज। पढ़ाई में ग्रामर का स्पेलिंग आए या ना आए, ग्रामर होना बहुत जरूरी है। ओके। भवानी,
तुम्हें आगे से देखती हूँ तो एमली लगते हो, पीछे से देखती हूँ तो ओमली लगते हो। मैं अपार्टमेंट में ओनली हूँ ना। कामनी, भवानी, लोनली, मैनली, से सेंसर कर दूंगा। बैठ जा। ए, ठीक से डाल रहे, क्या करते हैं? चीटिंग क्यों करता है? खेलना। क्या चीटिंग? In a sense, India's economy is still coasting on the back of reforms that began in 1991. Corporate India is much stronger than ever before, and no one is suggesting India's economic emergence is a mirage. But some of the euphoria is beginning to cool. In the middle of last year, inflation was 3.5 to 4%. That was the right time to start passing on higher crude prices to the economy. लिखो ना, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन लिखूं कैसे? मास्टर जो कह रहे हैं वो सुनना होगा ना? हाँ, बच गया यार। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि अरे बेल बज गया। चलो 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 चलो। मनीषा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स मुझे समझ में नहीं आती। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। चैप्टर 1 2 आइला। हाय स्वीटी। कैसे? हाय डब्लू। छोटू। हाय गब्बू। हाय हाय। अरे नया एडमिशन लगता है। इन दैट व्यू पॉइंट इट अपीयर्स टू हैव अ फेयरली सिंपल मीनिंग। इट रिप्रेजेंट्स नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन अगेंस्ट द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा, ये सब्जेक्ट क्या इंग्लिश में रहता है? तू कहां से आ गया भाई? क्यों भाई, स्पेशल नाइट क्लास चल रहा है? ए भाई, मिडनाइट मसाला। ए, अपने आप को होशियार समझता है क्या? रे भाई को नमस्ते किया क्या? हाँ ठीक है, बात करते हैं। चल जल्दी कर। नमस्ते। मनीषा तुम बाहर जाओ। सुनो डार्लिंग, तुम्हारा नाम क्या है? मनीषा। ओ मनीषा कोइराला। अरे क्या जोक मारा क्या? नहीं 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 नहीं, नथुलाल। नथुलाल, मेरे बाप के नाम का मजाक उड़ाते हो तुम लोग। मार डालूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मनीषा। अरे करो कुछ इन लोगों को। रुक जाओ मनीषा, रुक जाओ। नमस्ते। हिम्मत कैसी की तुम लोगों ने मेरे बाप के बारे में कुछ कहते? अरे एक मिनट, नीचे आ जाओ नीचे। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। आई किल यू। छोड़ दो छोड़ो मुझे। भवानी। हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। छोड़ने वाली मैं इन लोगों को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम छोड़ो मुझे। अरे मनीषा, मेरी बात छोड़ने वाली मैं इन लोगों को। तुम जाओ, तुम देख लूँगी। ए उधर क्या देख रहा है? इधर तो देख जरा। क्या कह रहे मेहता साहब? बड़ी प्लानिंग के साथ लड़की को बाहर भेज दिया। कॉलेज में आजकल मैं सबसे टॉप की लड़की पर नजर रखता हूँ। डबल मीनिंग डायलॉग मत बोलिए, आप सीनियर हैं, जो कहेंगे मैं करूंगा। सीनियर का जूते पे मिट्टी लगी, जरा साफ करो। हेलो, कहाँ जा रहे हो? पानी लाने। जूता साफ करने के लिए पानी चाहिए ना? पानी की कोई जरूरत नहीं है, जीभ है ना, उससे साफ करो। अरे भाई अब फिर कहाँ जा रहे हो? मुंह के अंदर पान है, बाहर जाऊंगा, फेंकूंगा, आऊंगा, साफ कर दूंगा। ओके ओके। ये गुंडे की तरफ आ गया खड़ा, जल्दी आ। भैया आ रहा हूँ भैया। तुम लोग अंदर मत आना, अंदर आओगे तो तोड़ कर रख दूंगा। ए बगिया, इसको ले जा। ए उधर खड़े रह के क्या कर रहे हो? अरे बोला ना आ रहा हूं भाई। ये क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है? चल के जूता साफ कर। तेरे बोलने पर मैं काम नहीं करने वाला। अरे Oh,
आप तो दयालु है ना। अरे मनीषा को जब भी मेरे साथ देखोगे ना, मुझे और मनीषा को रैग करना चाहिए। कैसे भाई, इतनी हिम्मत नहीं है तेरी। ठीक है भाई। मैं कौन हूँ? आप बहुत अच्छे हैं भाई। हाँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपके जैसा पावरफुल कोई नहीं होगा भाई। ऐसे ही बिल्डअप रखना, अब सब मिलकर हाँ बोलो। ओ, ये भगवान की जगह है। हाला दान, इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया है। हाला दान, मैंने कोर्ट केस भी जीत लिया है। हाँ हाँ, लेकिन जीतने के बाद भी कोई जमीन खाली नहीं कर रहा है। सही है लदान, इसलिए मैंने आपको हैंडओवर किया है। अरे आप बोलो भाई, कब हैंडओवर कर रहे हो? बताओ ना कब खाली कर रहे हो। हाँ बताओ। ये लीडर है यहाँ का। लीडर, देखो मैं बहुत ही भोला आदमी हूँ, किसी की बात नहीं सुनता, मैं अपने ही रास्ते पर जाता हूँ। पता है कैसे? ऐसे। मेरी घड़ी के हिसाब से अभी 1 बज रहे हैं, अगले हफ्ते 1 बजे ये खाली कर देंगे, वरना मुझे गुस्सा आएगा और तब मैं सबको साफ कर दूंगा। लदान, लदान, भवानी से एक बार बात कर लेते तो। उस बच्चे के बारे में मुझसे बात नहीं करना, उसको बोलना इस अड्डे पर लदान ने पाव रख दिया है। हमारे एरिया में आके हमको धमकी देता है, मार डालेंगे हम उसको। जब देखो मारने की बात करता है, कोई दूसरा काम नहीं है क्या? मारने पीटने से मैटर सेटल नहीं होगा, और ये कभी मत भूलना कि हम लोग लीगली वीक हैं। क्यों लॉर्ड जी? हाँ भवानी, सही बोल रहे हो। सुन लिया, उसके पास पक्का डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए इतना हिम्मत है उसमें। ए, जो बिल्डर पहले आया था, क्या नाम है उसका? मोहनलाल। हाँ अच्छी तरह जानता हूँ, उसके लिए पैसा जान दोनों महत्वपूर्ण है, वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे लोगों को मामूली हैंडल नहीं करना चाहिए। अम्मा क्या हुआ? देखा नहीं बेटा, थोड़ा सा लग गया। अरे पहले अपने आँखों को ऑपरेशन करवा लो, पैसे मैं देता हूँ। नहीं बेटा। क्यों, दादागिरी के पैसे हैं क्या? मेरी हिम्मत नहीं, वो क्या है, खून का प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है ठीक है। ऑपरेशन नहीं कर सकती, डॉक्टर ने कहा है। तुम्हें बीबी भी है? हाँ, एक बेटा था, जीने के लिए शहर आया पर बेचारा जी नहीं पाया। कोई भी माँ अपने बेटे को क्या भूल सकती है, तुम्हें बताओ बेटा। वो मुझे तो छोड़कर चला गया, लेकिन अब मैं कैसे जीऊं? उसकी याद आती है तो मेरे रगों में दर्द उठता है। क्या करे बेटा, मरने तक तो जीना पड़ेगा ना बेटा। मनीषा बोलो, बुला रहे हो तो तुम क्यों डर रहे हो? वो आ रहा है कि हम लोग आए तेरे पास। भवानी तुम नहीं जाओगे? हाँ बहुत मारेंगे, सुनाई नहीं दे रहे क्या? हाँ आता हूँ। पीछे घुटने में झुक जा, घुटनों पर। मनीषा कॉलेज में तू पढ़ने आता है कि आशिकी करने आता है? क्या बात है मनीषा, हाथ हो गई, ये करो वो करो, तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ देख लूंगी मैं तुम लोगों को। हाँ निकल जाओ यहाँ से, देख लूंगी एक एक को बताऊंगी मैं। हाँ निकल जाओ यहाँ से। मेरे पैर, तुम ठीक तो हो ना? मनीषा, अरे क्या हुआ भवानी? अरे भागो, अरे भागो गुरु यहाँ से, भागो, अरे भागो यहाँ से। किसने हमारे आदमी को मारा? मैं देखता हूँ भगवान, ये हमारी इज्जत का सवाल है, खून का बदला खून, अब खून की नदियाँ बहेंगी। भवानी भाई,
इधर आओ भाई, देखो भाई किसने इसे मारा भाई। जिसने भी इसको मारा होगा हम उसको काट के रख देंगे भाई। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, आज होली है ना। अरे वो मारवाड़ी गली से गुजर रहा था, मारवाड़ी लड़कियों ने कला डाल दिया, इसीलिए ये लोग चिल्ला रहे हैं। देखो चल सर। क्या करते होली? अबे गधे मार के। अरे अरे क्यों मार रहे हो भाई? भाई भाई भाई, ये मारवाड़ी लोग होली खेलते हैं क्या? नॉर्थ इंडिया में होली की शुरुआत मारवाड़ी की वजह से हुई है भाई। देखो भाई लड़कियां होली खेल रही है। हम लोग भी होली खेलेंगे भाई। चलो 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 उधर चलते हैं। आ जाओ दीवानी, कम कम कम, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज मेरे ऊपर एक भी कलर नहीं आना चाहिए। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से शर्ट लगाई है, पता है? हाँ? बॉयफ्रेंड? वो कौन है? टिंकू। टिंकू कौन है? टिंकू मेरा भाई है। अरे पिंटू कौन है? रिंकी। रिंकी कौन? मेरी कजिन। अरे टिंकू कौन है रे? नहीं पता तुम्हें? अरे मेरी बहन का लड़का LKG में पढ़ता है वो। अरे मैं अब यहाँ से कैसे जाऊंगी? मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ कोई कलर लगा बगैर। शर्ट बताओ क्या है? कैसे कैसे? अरे पहले शर्ट तो बताओ, नहीं तो मैं इस पुतले को टकला कर दूंगी। आइडिया, मेरे बाल खराब ना हो इसलिए विग लगा लेता हूँ। पुतला तो ऑलरेडी टकला है, अब बैठ गया। तुम बोलो। हमेशा जीतने के बाद बोलता हूँ मैं। अरे आराम से थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर। अरे बस बस ऐसे रखो, आजा आजा मजा आएगा। अरे क्या कर रहे हैं? मेरे कपड़े बच गए। तुम्हारे कपड़े तो पूरी तरह से। अबे तुम हंसना बंद करो, बैठ की बात करो। चलो अकेली मैं बच गई। मेरी बॉडी में जहाँ जहाँ रंग लगा है बिल्कुल वैसे ही सेम कलर तुम्हारी बॉडी में भी मैं लगाऊंगा। हाँ? नहीं 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 नहीं। हाँ बैट मतलब बैट है। ओके अरे सॉरी यार दिखा नहीं है। हाँ कॉलेज और मारवाड़ी लड़की के अलावा कुछ दिखाई देता है तेरे को? क्या मतलब? प्यार अंधा होता है लेकिन आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए। क्या बक रहा है तू? मेरी बात याद रखना, तू उस मारवाड़ी लड़की के चक्कर में फंसा है, तेरे साथ साथ हमको भी रोना पड़ेगा। मेरे लिए रोने वाला तू कौन है? मैं कौन होता हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तुझे पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा। अगर तुझे कॉर्नर पकड़ना आता है तो मुझे चाकू निकालना आता है। भवानी मैं तुझे मार डालूंगा। भाई छोड़ दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ रहा हूँ तुम्हारा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख लूंगा सारे। चल बातें क्या देखेगा, ये सब मेरे साथ जाएंगे। क्या बोले? सबको ले जाएगा, दमे तो ले जा, ले जा सबको ले जा। अरे जाओ, चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ। देखा, फूल पट्टी देने वाला खाली पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं। एक बार हाथ उठाऊंगा ना 100 लोग खड़े हो जाएंगे। चल निकल यहां से। ए भवानी तू अब देखना। तेरी तो क्या देख लेगा तू, क्या देख लेगा तू, हां क्या देख लेगा तू, निकल यहां से। अरे हट, तू अब देख देख अब तू। चलो रे चलो, ए चलो चलो, ए चलो रे, ए यार yeah.
शिवगंगा। अरे भाई इसका नाम हैंड है, ये जेमिनी का राइट हैंड है। भवानी वो बच्चा, तू उसका राइट हैंड है कि लेफ्ट है? हे वो भवानी तो मेरे बाल के ओ बराबर है। वो बात तो है पर वो पुरानी बात है। हे बात क्या है बता। इसका और भवानी के बीच में झगड़ा हुआ है भाई, उसको छोड़ दिया इसने, इधर अपॉइंटमेंट। हमारे पास क्या काम करेगा? अगर कोई काम का नहीं रहा तो अपन लोग इससे लेटरिन तो साफ करवा ही सकते ना। लेटरिन साफ करे या मुझे साफ करे, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। खाना खाए तुम लोग? नहीं सर। और तुम? अभी नहीं सर। नॉनवेज खाते हो? हाँ हाँ। तो आ जाओ। बंदर रोड पता है? हाँ पता है। बाजू में प्रकाश बार है पता है? हाँ पता है। उसके बाजू में कोलस नगर है पता है? हाँ पता है। उसके बाजू में बाजार है पता है? हाँ। उधर एक ढाबा है, वहाँ जाकर बड़े आराम से खाओ। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। लदन भाई आपके साथ काम में मजा आएगा। पर तेरे जैसे दोस्त को खोया उसने, समझदारी का काम नहीं किया। लदन भाई वो तो आपसे भी होशियार है। ऐसा क्या? ये मोहनलाल सेठ भवानी के पास भी आया था, भवानी ने उसको धक्का मार के भगा दिया। पर क्यों? मार्केट से हर महीने 50,000 रुपए आता है, पूरे मार्केट को साथ में करके खाली कर कर 70 लाख में बेचेगा। जब ये मार्केट लदन भाई के हाथ में आ जाएगा तो महीने के 50 भी अपने, सब अपने साथ होंगे, मार्केट भी हम टेक ओवर कर लेंगे। और वो भवानी कह रही है भाई। लदान भाई है? हाँ वो दे, ठंडा दे। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू थैंक यू। तू भवानी? पहले मैं उस कुत्ते के साथ बैल की तरह काम करता था, अभी मैं शेर के साथ काम करता हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है मैं हमेशा उस पर आगे से वार करता हूँ। वेरी गुड हैबिट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ यही है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? दे दो दे दो। ओ अरे अरे क्या किया? जान प्यारी है कि जमीन प्यारी है? चल यहां से। ठहरो, ए इधर दे। पकड़, ये हमारे खर्चे के लिए। बजा। ए पापा पापा। शाबाश, ये किसके हाथ में रहता है? जी टीवी पे। इसको ऐसे ही बजाते हुए कृष्णा पैलेस तक जाना अपने घर तक। हाँ वेरी गुड। क्या चाल है। भाई ये भवानी है। यही है, यही है वो बच्चा। ये कार्टून कौन है? यही है लदान भाई। अच्छा ये लग तो ऐसा रहा है जैसे कोई जमीन से ताजा लाश निकली है। क्या बोल दे भाई लोग? क्या कर बोल दे इसको, ये मार्केट मैंने हैंडओवर कर लिया। बदन धोऊं या लेटरिन? भवानी का दूंगा। क्यों रे समझ में नहीं आया क्या? चल अनपढ़ है मैं समझाता हूँ तेरे को। तू और मारवाड़ी सेठ मोहनलाल मिलकर इस मार्केट को लीगली खाली करवाना चाहता था ना, मैंने अपने आदमी को भेजा रे। आओ
प्लीज मेरी बात सुनो, भवानी प्लीज मेरी बात सुनो, सुनो लदन मेरी बात सुनो, चलो चुप हो जाओ। जब देखो तब इसी को प्रमोशन मिल जाती है, जबकि इससे सीनियर मैं बैठा हूँ यहाँ पर। ये सब इसलिए, इसने तेलगी केस सॉल्व किया। रूलिंग गवर्नमेंट सीनियरिटी देखती है, सिंसियरिटी कहाँ देखती है? लगता है आजकल डिपार्टमेंट कैश फीलिंग से ज्यादा दिल की फीलिंग देखती है। कमिश्नर सर, सर जब आप तेलगना में थे तो लोग आपको टेररिस्ट बोलते थे। मैं किसी राज्य के लिए टेररिस्ट नहीं हूँ, जनता के लिए भी टेररिस्ट नहीं हूँ, आप सबके लिए भी टेररिस्ट नहीं। जो लोग कानून को कुछ नहीं समझते उनके लिए मैं टेररिस्ट हूँ। ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, अब हमें भी इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। ए तू कुछ क्यों नहीं पूछता है, पूछ ना। आपका वर्किंग स्टाइल क्या है सर? काम सही तरीके से हो रहा है तो स्टाइल क्या? स्टाइल की बात की तो देखो कैसे स्टाइल मारने लगा। कमिश्नर साहब, चार्ज लेने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? क्राइम रेट को कम करना है। क्राइम कम तो पैसा कम। मामूली नरेंद्र चौधरी और कमिश्नर नरेंद्र चौधरी में क्या फर्क है? यस गुड क्वेश्चन। बिल्ली की पूछ और शेर की पूछ में जो फर्क होता है। बाप रे, ये बिल्ली कब बनते हैं और शेर कब बनते हैं, जरा पूछो तो इनसे। सर जी, मैडम प्लीज। सर एक बात पूछूं, आप बिल्ली कब बनते हैं और शेर कब बनते हो? टोपी निकाल दूं तो बिल्ली, टोपी पहन लूं तो शेर। जब पसीना निकलता है तो टोपी निकालता हूं, क्रिमिनल्स का। जब पसीना निकालता हूं तो टोपी पहनता हूं। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या रे, आग जैसे आदमी को राख समझ रखा है। रोज जैसे मालिश वाला हाथ लगाता है वैसा ही लग रहा है मुझे, समझा? जाकर कमिश्नर को बोल दे सांप को बिना मतलब मत छेड़ो। सांप को कान नहीं होते, बिना मतलब के छेड़ेगा ना काट लेगा। मैं भी सांप ही जैसा हूं। रेलवे ट्रैक पर बैठकर सेटलमेंट, फ्रूट मार्केट से लेकर फाइव स्टार होटल तक हफ्ता वसूली, नहीं तो मर्डर। जब वारंट निकलता है तो कोई और अरेस्ट होता है। नेटवर्क कहीं पर भी नहीं, फिर भी नेटवर्क चला रहा है। इसको अरेस्ट किया है किसी से मत कहो, किसी का अगर फोन आए तो कह देना पता नहीं, प्रेस वाले पूछे तो उन्हें अवॉइड कर देना, राइट? मेरी एक बात सुनो, कमिश्नर चाहे कितना भी पावरफुल हो, हम लेबर के रहते हुए किसी को हाथ नहीं लगा सकता, ये बात समझ लो सब लोग। हमारा पावर सरकार तक है। ए, तू अपना मुंह बंद रख। भवानी, लदान को भी अरेस्ट किया है, तुम दो दिन यहाँ से कहीं बाहर रहोगे तो अच्छा होगा। नया नया ऑफिसर है, दो दिन मच मच करेगा, उसका बेल करवा पहले। वो काम अपना लॉयर देख लेगा, मगर तू कॉलेज मत जाना। कंपलसरी जाना है क्या? है? कंपलसरी जाना। आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत। एक मिनट सर, मैं अभी आई सर। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम इधर आओ। हाँ
हाय भवानी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भवानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। रिकॉर्ड देखा इसलिए ये सब। आज तक किसी ने भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया, मैंने भी नहीं मनाया। कहां पैदा हुआ, किसके कोख से क्यों पैदा हुआ, मैं नहीं जानता। हम क्यों पैदा हुए ये तो पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। ये केक, ये मोमबत्ती, इतनी रौनक चारों ओर, पहली बार देख रहा हूं मैं। मेरे लिए भी ये सब नया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैटर एकदम पुराना है। दरअसल मनीषा अपने बैचमेट के लिए जन्मदिन मना रही है, इसीलिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मनीषा की शादी किसी अच्छे मारवाड़ी लड़के से ही हो। वो लड़का मारवाड़ी ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। हाँ हाँ, किसी ने सच ही कहा है कि किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारा भोलापन, पोलाइटनेस, तुम्हारा हेल्पिंग नेचर मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन पर अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, घेर लो इस सबको, जाने ना पाए, चलो। नमस्ते सर, सारे मुजरिम बिल में जाके छुपे हैं, तुम कॉलेज में छुपे हो, क्या स्टाइल है। तुम लोगों के लिए ये क्लासरूम नहीं है, एक स्पेशल प्लेस है। भवानी क्या कह रहे हैं ये सब लोग। आपका थैंक्स सर, अब हम बड़े आराम से रहेंगे। थैंक यू मुझे नहीं सर, नया कमिश्नर आया है उसे बोलो। ए, क्या चल रहा है उधर, लड़कियाँ देखने आए हो या मुजरिम पकड़ने, लेके जाओ उसे। वन मिनट। पुलिस ऑफिसर मैं हूँ। चाहिए, आप इसे क्या समझ रहे हैं। इसका नाम भवानी है। हाँ जी। सामने के बाजार में रहता है ना, रात में कॉलेज में आकर पढ़ता है, दिन में क्या करता है पूछा है तुमने। नहीं सर। चाकू चलाता है। ए, लेके चलो। क्या बहुत केक वेक कट रहा है, चल लॉगअप में चल, वहाँ तेरा बर्थडे मनाते हैं। मैडम ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम लव में हो। छोड़ दो मैडम, छोड़ दो, तुम नहीं जानती इसके पास के बारे में, ये नंबर वन क्रिमिनल है महाराष्ट्र में। हाँ ए, चल रे चल। सर क्लासरूम में इसने हमें बहुत मारा था, दरवाजा बंद करके मारा था, केस कर लिया होता तो ये अंदर ही रहता। चल जा रे, तू चल रे। तो तुम हो जेमिनी, तुम्हारे वजह से ही शहर में क्राइम बढ़ रहा है, 2 महीने में तुम बहुत बड़े क्रिमिनल बन जाओगे, राइट? सर इसने कॉलेज में ये सबमिट किया था, ये बॉस्टन स्कूल का रिकॉर्ड। क्या सोचकर बॉस्टन स्कूल गया था? हाँ लिखा है, हरदम के लिए अनाथ, हरदम के लिए भुखमरी, हरदम के लिए बदला और उसी तरह दोस्ती। डिस्कवरी में यही दिखाते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसे हम छोड़ देंगे तो ये बहुत बड़ा गुंडा बन जाएगा सर। छोड़ेंगे तब ना। ये मेरा प्राइवेट सेल है, यहाँ मैं ही पुलिस, मैं ही जज हूँ, कुछ भी करूँ कोई पूछने वाला नहीं है। राउडीज़म खत्म करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिए हैं। नो ऑब्जेक्शन टू डू एनीथिंग। तुम दोनों में से लड़कर कोई भी एक मर सकता है और उसका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। जो बचेगा पुलिस उसे देख लेगी। क्या देख रहा है रे, दिल में हंस रहा है क्या? Thank you.
इन चूहों को देख रहा है? ये चूहा मंदिर में जाकर क्या कहा पता है? भगवान भगवान, तुम चाहे मुझे किसी से भी मिलवा दो, पर बिल्ली से मत मिलवाना, नहीं तो वो बिल्ली मुझे जान से मार देगी और मैं मर जाऊंगा। तू चूहा मैं बिल्ली। अब समझा, तू चूहा और मैं बिल्ली। किस गवां से पाला पड़ा, दिमाग खराब कर लिया। कह रहा हूँ तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ए, चल अरे चल चल। दिमाग की तही का तक तंग बड़ा 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 तक बड़ा बड़ा तक बड़ा बड़ा तक मुझे मारेगा, मार मुझे, तुझे मारकर बाहर जाऊंगा मैं। बाहर नहीं, सीधा। अरे पागल, बचने वाले को पुलिस गौरव मिलेगा। पुलिस गौरव यानी कि एनकाउंटर। ये तू भी हो सकता, मैं भी हो सकता हूँ, ये इनका प्लान है। अपना दिमाग मुझ पर चलाएगा पागल लड़का। तू गवार का गवार ही रहेगा। मेरी बात सुन, हम लोग बाहर निकल सकते हैं। अरे मुझे बाहर निकालेगा मेरा लायर। तू क्या निकालेगा? इसीलिए लोग तुझे मूर्ख कहते हैं। हम लोगों को लीगली अरेस्ट नहीं किया है। अगर कोई पूछेगा तो वो कमिश्नर कहेगा कि पकड़ कर छोड़ दिया था हमें। बाप रे, ये पॉइंट पकड़ा है तूने भवानी। तेरे पास दिमाग है। ए, तेरे पास इतना दिमाग कहां से आया? क्या खाता है तू? अरे जिंदा रहेगा तो खाएगा ना। पहले ये सोच बाहर कैसे निकलेगा। हमें कमीशन से कहना होगा कि हम सुधर गए। हमने ऐसी कौन सी गलती की जो सुधरने का नाटक करे? ऐसे बोलेंगे तभी बाहर निकल पाएंगे। राउडिज्म छोड़ देंगे। नक्सलाइट को मौका मिलता है, हमें मिलना चाहिए। हम लोग छोड़ देंगे, बस खाता हम। क्या दिमाग पाया है तू? हे, मार्केट के मामले में जैसा लैंड दिया वैसा तो नहीं करेगा ना? अरे मूर्ख, वो लैंड का मामला था, ये लाइफ का मामला है। ठीक है, समझा। बाहर निकलने के बाद तू मेरा राइट हैंड बन जाना, समझा? फिर कमिश्नर से तू जो बोलेगा मैं बोल दूंगा। जी कर मरने वाले से मरते हुए बच रहा है सर। हम सुधर गए, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। बदलने का एक मौका दीजिए सर, प्लीज। अरे क्या गिड़गिड़ा रहा है? कमिश्नर, हम बदल गए हैं, छोड़ते हो कि नहीं? गुंडों को मारकर गुंडागर्दी खत्म होगी, या गुंडों को बदलकर? तुम बदल जाओगे ये सोचकर छोड़ रहा हूं। कमिश्नर साहब, मुझे छोड़ दिया ना, ये लोग सामने क्यों खड़े? चलो हटो। अभी देख रहा तुम लोग टार्जन की तरह ऊपर जाओगे। थैंक यू सर। क्या हमारे घर में चूहा मर गया है? इधर मैं मर रहा हूँ, गाड़ी खराब हो गई है, लेकर आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बात सुनी, इसलिए खुद को चप्पल मारना चाहिए। लकी के लकी कार बोल के रास्ते में रुक गई है। फोन रख दो, बाद में बात करता हूँ। ये लो, ये लो पैसा, ये लो, आप भी लो। मुझे भी मिला। इधर कोई मैकेनिक है क्या? मैं हूँ सर, मैं। मेरी कार खराब हो गई है,
आप लोग रिपेयर करो, मुझे बैंक जाकर 10 लाख रुपए निकालना है अपने छोटे बेटे के बर्थडे के लिए। छोटे बेटे के बर्थडे के लिए 10 लाख? मेरे पास टाइम नहीं है, ये कार किसकी है? कस्टमर की। ठीक है, तब तक तुम मेरी कार ठीक करो, तब तक मैं कार ले जाता हूँ। क्या रे, तो मेरे को शक है क्या? ऐसा नहीं है सर, मैं आ जाऊंगा, बोल रहा हूँ ना, बोला तो कार की कीमत के बराबर चेक देके जा रहा हूँ। क्या हुआ? एक मिनट, एक्सक्यूज मी भाई, ये आदमी बहुत पैसे वाला है। हाँ। अपनी बड़ी कार रिपेयर में देकर हमारी छोटी कार थोड़ी देर के लिए मांग रहा है। अच्छा। ये आदमी कैश पार्टी है। हाँ? क्योंकि कैश पैसे दे रहा है। हाँ? तू उसे जानता है? जानता हूँ, पहले से जानता है। हाँ, पहले से जानता हूँ। पहले कहीं देखा था? बहुत बार देखा हूँ। मैं निकलू क्या? ओके ओके सर, आप लेके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नमस्कार। मामूली आदमी नहीं है, बड़ी कार छोड़कर छोटी कार लेकर जा रहा है। हाँ। आज इसकी कार रिपेयर करके दे देंगे। हाँ? आपको खूब पैसा मिलेगा। अरे जूनियर, सब लोग इधर आओ, इधर आओ। ये बहुत कॉस्टली कार है, रिपेयर करने के लिए हमारे पास आई है। इसके पहले तुम लोगों ने ऐसी कार रिपेयर की है? बहुत कॉस्टली कार है। इस कार का रिपेयरिंग तुम्हारे बस की नहीं है, इसका रिपेयर मैं करूंगा। तुम लोग सिर्फ ध्यान से देखो, ओके? इंजन भी इसका बहुत कॉस्टली होता है, तुम लोग ध्यान से देखना। अब मैं बोनट खोलता हूँ। हमें धोखा देकर चला गया, बिना इंजन की कार देकर नई कार लेकर भाग गया। अब कार वाला आएगा और हमारी ऐसी की तैसी करेगा। उस समय तुझे मारेगा। हाँ। वो मारेगा तुझे। अभी के अभी। पहले मैं तुझे मारता हूँ। अरे बाहर निकल, बाहर निकल। क्यों रे, पहले कहाँ मिला था उसे? अभी अभी तो मिला था। जान पहचान कहाँ हुई थी? अभी जान पहचान हुई थी, अभी अभी। भाई रे भाई, वो हम लोगों को चूना लगा के चला गया। भवानी, लदान दोनों बदल गए हैं, इसलिए उनको एक मौका दिया है। नक्सलाइट से सरकार ने कहा कि तुम हथियार फेंक दो, हम तुम्हारे ऊपर से केस हटा देंगे। उसी तरह हमने भी गुंडों और बदमाशों को एक मौका दिया है, उनमें मुझे बदलाव दिखा। जेमिनी ने गुंडागर्दी छोड़कर कॉलेज ज्वाइन की। जो इंसान सुधरना चाहता है मैं उसे मौका देता हूँ। भवानी गुंडागर्दी छोड़ना चाहता है, कॉलेज जाकर पढ़ना चाहता है। जो इंसान सुधरना चाहता है हमें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। No more explanation. मेरी बात को ध्यान से सुनो। गुड इवनिंग। जब से ये कॉलेज बना है तब से यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आई थी, लेकिन जब से तुम्हारे कदम इस कॉलेज में पड़े तो पुलिस डायरेक्ट क्लासरूम में घुस गई। तुम्हारे यहाँ आने के बाद स्टूडेंट क्लास में जाने से डरते हैं, लेक्चरर अपनी क्लास अटेंड करने से डरते हैं। आई एम सॉरी, यू आर डिसमिस्ड। भवानी, हाउ आर यू? एक नाइट कॉलेज के प्रिंसिपल को मैं जानता हूँ, एडमिशन हो जाएगा। तुम कहो तो डे कॉलेज में एडमिशन करवा दूँ? नहीं सर, मुझे नाइट कॉलेज ही ज्वाइन करना है। तो किसी दूसरे नाइट कॉलेज में एडमिशन करवा देता हूँ? नहीं सर, उसी नाइट कॉलेज में ज्वाइन कर भाई। पढ़ाई करनी है ना, किसी भी नाइट कॉलेज में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बोलो। जिस कॉलेज में पुलिस ने आके मुझे अरेस्ट किया था, वही कॉलेज में पढ़ने से मेरी इज्जत बढ़ेगी। ओहो, ये बात है। भवानी, प्रिंसिपल का नाम क्या है? विश्वनाथ। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से म्यूल की भी नौकरी नहीं मिलती अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो। सर तो बताइए, एक गुंडे को मैं कैसे अपने कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ? तो आप यही चाहते है ना कि एक गुंडा जिंदगी भर गुंडा ही रहे? बच्चा अगर बचपन में कोई गलती करता है तो क्या हम उसे स्कूल भेजना बंद कर देते हैं? आप लोग गुरु है, शिक्षा के साथ साथ सुधरने का भी मौका देना चाहिए। आपके लिए फोन। आपके लिए। मेरे लिए? हेलो, विश्वनाथ बोल रहा हूँ। मैं यमला तेजपाल बात कर रहा हूँ। नमस्ते सर। राजनीति में आने से पहले लोगों की जेब काटा करता था मैं। सर अभी जनता की सेवा कर रहा हूँ ना, वो बच्चा क्या चाहता है? सर लेक्चर की पोस्ट थोड़ी मांग रहा है, पढ़ना चाहता है ना, पढ़ने दीजिए ना। ठीक है सर। भैया तुम आज ही कॉलेज आकर ज्वाइन कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, रिकमेंडेशन करना भी बहुत बड़ी गलती है, मेरे आदमी को सही रास्ते पर लाने के लिए सिफारिश की। अब आप जा सकते हैं, नमस्ते।
सर पहले भी रिकमेंडेशन से ज्वाइन किया था सर, पर ताकत से और अभी भी सिफारिश से मैं जा रहा हूं सर, पर बदलाव के लिए बदलना चाहता हूं। बेटा बेटा हाँ? भूख नहीं है क्या? नहीं है माँ। फिर भी खाना तो पड़ता है ना? नहीं माँ। चल मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, तो कहेगा माँ मुझे और खिलाओ। अच्छा माँ, पैदा होती भगवान हमारी किस्मत लिख देता है क्या कि ये गुंडा होगा, ये अच्छा होगा, ये संसारी होगा, ये बुरा होगा? नहीं नहीं, भगवान ऐसे नहीं लिखता। फिर भगवान ने ऐसा लिखा है ना, जो खराब होते हैं पहले तो अच्छे होते ना? समझ नहीं रहे ना मेरी बात? जब इंसान पैदा होता है तब तो अच्छा रहता है ना? ऐसे ही मेरा बेटा बोला करता था। चलो आपके लिए खा लेता हूं। नहीं नहीं, ये तुम मत खाओ। क्या हुआ बाबा? मत खाओ बेटा। I am Brahma, Bhavani ka classmate. I am benchmate also. I am ringman also. Bhavani ka hai? Bhavani, udhar hai. Thank you. Hi Bhavani. Hi, hi, hi. Hi, nahi pagle. Tum khade ho. Eh, sab log Bhavani ka oye bolo. Muh band kar sab. Eh Bhavani, kya kar raha hai? Manisha tujhe nahi chahiye. भगवान को देखने के लिए मंदिर जाना पड़ता है और मनीषा को देखने के लिए उसके घर जाना होगा। हाँ। जाकर क्या फायदा, वो मुझसे बात करती नहीं। अगर तुम ऐसे बैठे रहोगे ना तो पागल हो जाओगे। मनीषा के फैमिली वाले बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनसे दोस्ती करोगे तो वक्त आने पर वो अपनी जान भी दे देंगे। जो जान दे सकते हैं वो अपनी बेटी क्यों नहीं देंगे? ये कैसी बात कर रही हो तुम? समुद्र में छोटी मछली फेंकने से बड़ी मछली मिलती है क्या? हाँ, अगर सही तरीके से जाएंगे तो मछली फ्राई करके भी देंगे। करेक्ट भाई, ससुराल में जब भी जाओ तो शराफत से जाना चाहिए। पान थूक डालो, मोटे के कपड़े उतार डालिए, अच्छा सूट पहन के वीआईपी की तरह एंट्री मारो। चलो हाँ भाई, चलो चलो भाई। ओके बाजू 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 बाजू। भवानी लेकर ये लीजिए। सॉरी लो। क्या ये? कुछ नहीं, मसाला दूध है। पीने से क्या हुआ? तुम्हारे दिल में जो प्यार है ना वो बाहर आ जाएगा। पियो पियो। मनीषा याद आ रही है। आ रही आ रही। ए एक और ला। भवानी जल्दी करो ना, जल्दी पियो, पीने के बाद उसकी याद आएगी। अरे अरे मनीषा की मम्मी पापा का दिल जीत लो और अपने सास ससुर के पैर पकड़ लो। पाँव पकड़ने से क्या होगा? अरे वो तेरे सास ससुर हो जाएंगे। अभी बता दो। संभाल के संभाल के। अरे ससुर जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ससुर जी। अरे क्या पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, ऐसे मेरे पर अटैक कर रही है।
कहाँ पे तू? अरे देख तू, मेरे ही नाक पे आके बैठ गया तू। हाँ देख, मैं तेरे को कैसे चकमा दे दूँ। मैं देखता हूँ, इधर गई इधर गई इधर गई। हाँ देख रहा है क्या तेरे को? ये हाय राम, ठीक तो हो? किधर है भाई? अरे इधर ही नहीं, किधर है रे? अरे डोंट किधर है? आराम से बता। अरे किधर है? रेडी रेडी। अरे घुसा घुसा। ये 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 ये। अरे कहाँ गए तू? अरे तेरे को, अरे देख कैसे पीछे बैठी है। भाई आप उसे भूल जाओ भाई। बताइए सीट पे देख कैसे चिपक के बैठी हुई है। पिल्ले का नाम नहीं ले रही है। भाई बहुत ओवर कर रहे हैं, मैं कुछ भाई का बंदोबस्त करता हूँ। अरे मनीषा किधर है? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मनीषा, तू ऊपर ही रोक, मैं आ रहा हूँ। किधर है तू? अरे मनीषा, अरे देख तेरे लिए मैं कहाँ नहीं ढूंढा तेरे को। अरे तेरे को मैं कितना प्यार करता हूँ, मक्खी की तरह घूम रहा था तेरे पीछे, भिन भिन आ रहा था, तू सुनते ही नहीं है, तो विश्वास भी नहीं करेंगे, ध्यान दे देता हूँ। अरे बहुत ऊपर है यार, गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। मुझे विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? मेरे को मिस्टर भवानी। हाँ बोल। हम इधर क्यों आए? किस लिए आए? सास ससुर का आशीर्वाद लेने आए। आशीर्वाद लेने? हाँ ले लो। ले लो। अरे क्या दोस्त है तुरे, क्या दिला दिया आशीर्वाद। ससुर जी किधर है? ससुर जी किधर है आप? क्या कहानी ढूंढा आपको? अरे क्या खूबसूरत लग रहे हैं आप, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। चले दीजिए। अरे दो ना। उठो उठो। अरे उठो उठो, उठ जाओ। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? अरे कोई है क्या उधर? अभी मैं झुकता हूँ, अभी झुको, चलो झुको भवानी। क्या हुआ रे? झुक, पैर पड़ो। पागल हो गया क्या? अरे पागल को पैर पड़ने की बात कर रहा हूँ। अरे अरे ये गुंडा है, पागल है, इसको मारेगा। आशीर्वाद दे। क्या कर रहे हो तुम? निकलो यहाँ से। अरे हुआ क्या? आशीर्वाद दे रहा हूँ। मारो इसको, इंसान है जानवर है, मारो इसको। निकल यहाँ से, आइए मारो इसको, मारो। मैंने कितनी बार बताया इसको। चल पी, तभी उतरेगी। अरे लड़की वालों के यहाँ जाते हैं तो बड़ों को लेकर जाते हैं, दारू पी कर जाते हैं क्या? दारू नहीं भाई, भांग भांग। अबे तेरी तो, तेरे को फिर तुम दोनों की वजह से उन दोनों में और दूरियां पैदा हो गई। इसने बाप के सामने भी हंगामा कर दिया। ए नानी इधर आना। भाई आ रहा हूं भाई। खाना खाया क्या? क्या बात है भाई, इसके बारे में विस्तार से बोल। ये निजाम के गहने भाई, इसकी कीमत 400 करोड़ है। 400 करोड़? इतना? हाँ भाई। हाँ जनता ने सीएम से कहा कि निजाम के गहने देखना चाहती है, तो सीएम साहब ने दिल्ली से मंगवा कर मुंबई म्यूजियम में रखवा दिया। हाँ ये अनमोल रत्न है। अभी तक जितने हाथ मारे वो सारा एक ही बार में हो सकता है। ये वो डेंजर है भाई, वहाँ पर AK-47 से सिक्योरिटी ले जाए। 1947 के आइडियाज काम नहीं आएंगे, नया आइडिया बताओ भाई। लेटेस्ट आइडिया मैं बताता हूँ ना भाई। तुम कितना पढ़ा है रे? तीसरी क्लास। हमारी गैंग में तू ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, झूठ बोलकर यही बोलना चाहता है क्या? जब तक वो कमिश्नर है हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, वहीं जाकर करना होगा। हाँ ए हाँ भाई, भाई। अर्जेंट जाकर भवानी को लेके आ, बच्चे को। भवानी। मनीषा तुम्हारे घर पे आके उस दिन हंगामा नहीं करना था, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मम्मी कैसे हो? बड़े टिप टॉप लग रहे हो। अरे नई शर्ट है। कैसे हो भाई? अर्जेंट में लदान भाई ने तुमको लाने के लिए बोला है। लदान भाई ने अभी तक 100 मर्डर किए हैं। अगर तुम दोनों मिल गए ना भाई तो दोनों को बहुत फायदा होगा। वो सब मैंने छोड़ दिया।
लदान भाई एक नंबर है और तू दो नंबर है ना? क्या भवानी, पब्लिक को मारना तेरे लिए कोई नई बात है क्या? ए, मेरी बात सुनो, मैंने छोड़ दिया है, जाओ यहाँ से। ए भवानी, मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से इंसान नहीं बदलता, मंदिर में तो वैसे चोर भी जाते हैं और ईमानदार भी जाते हैं, तो तू क्या है? क्या रे वो झकास माले यार, भवानी सर, भवानी सर, गुड गुड सर, सॉरी गुड गुड इवनिंग सर, सब बैठिए 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 ना सर। ओए अल्लाह, अरे अरे गुड इवनिंग भवानी। बैड इवनिंग भवानी। क्या क्या सीखा भवानी? ये चेयर जैसी हिल रही है, दिल भी वैसे ही हिल रहा होगा ना। अरे कितना भी हिले कोई बात नहीं, उसके पास चाय पीने तक का ही टाइम है, समझा? आज दोनों में से एक का फैसला हो जाएगा। अरे रे रे रे, भवानी भवानी, चाय खत्म हो गई। अरे दोनों में से एक ही है। ठीक खत्म हो गए रे। ए, कोई आगे नहीं जाएगा, पीछे हटो, पीछे, ए, पीछे। अरे तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए? सर बिना मतलब मुझे उकसा रहे थे, जब राउडी था उससे ज्यादा अब मुझे गुस्सा आता है सर। इंडिया में क्या सिर्फ तुम्हें ही गुस्सा आता है भवानी, दुनिया में हर इंसान को गुस्सा आता है। दोनों का एनकाउंटर करूं इतना गुस्सा आया था मुझे। अगर चाहता तो तुम्हारा एनकाउंटर करके उसी वक्त तुम्हें मार देता, पर अपने गुस्से पे काबू रखा इसलिए सेकेंड थॉट पर आया हूँ। बात सुनो, एक काम करो, जब कभी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम ये श्लोक याद करो, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतंगमय। ये श्लोक बोलो बोलो। असतो असत असतो नहीं सर, ये मुंह से सिर्फ पान चबा सकता हूँ सर, ये श्लोक व्लोक नहीं होगा सर। ठीक है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए एक से लेकर दस तक गिनती गिनो, ठीक है? एक से दस तक गिनूंगा तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा सर। ये गिनती, ये श्लोक मुझसे नहीं होगा सर। ये फोटो अपने पॉकेट में रखूंगा सर, ये फोटो देखूंगा ना सर तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा सर। पॉकेट में मेरी फोटो रखने के लिए मैं क्या कोई हीरो हूं? नहीं सर, इंसान, भगवान से भी बढ़कर इंसान। चलता हूं सर। Thank you.
मनीषा। डिंग 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 डिंग। तुम मुझे पसंद आई। हाँ? तू नहीं तो मैं नहीं, पवित्र बंधन है हमारा। हाँ? क्यों गुंडों से प्यार नहीं करती? वो भी गुंडा है ना, उससे तो प्यार किया था। हम दोनों का एक ही धंधा है, हफ्ता वसूली, गुंडागर्दी, गला काटना। जब उससे प्यार कर सकती हो तो मुझ में क्या खराबी है? तुझे तो क्या, मैं किसी भी गुंडे से प्यार नहीं कर सकती। ए, बड़ी प्यारी लगती है, गुंडों से प्यार नहीं करती, सुन लिया तुमने? तू पतले हुए भवानी से बात कर रहा है, अगर पहले के भवानी से तू बात करता ना, कसम मेरे धंधे की, तेरी राख निकाल देता मैं। मेरे रास्ते में मत आना। ए, तू चाहता है ना मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊं? ए, हाँ, मुझे निजाम के गहने चाहिए। हैदराबाद जाकर अपना दिमाग लगाकर वो गहने चोरी करके ला। लाइफ में कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा, सीधा दुबई चला जाऊंगा। ये क्या है तुझे पता है? जेकब डायमंड है ये, इसकी वैल्यू तुझे पता है क्या? कितना है? दिमाग के 400 करोड़। 400 करोड़ में कितने जीरो होते हैं तुझे पता है? शून्य शून्य शून्य। तीन शून्य? अरे येड़े, निजाम के गहने आसपास भी गया ना तो उड़ा देंगे तेरे को। ए, भवानी 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 भवानी। वो कमिश्नर भी तो हम दोनों को उड़ाना चाहता था, समझ गए ना? पर तेरे दिमाग से हम लोग बाहर आए कि नहीं, तेरे दिमाग की ताकत मुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए यहाँ आया हूँ। तुझे मनीषा चाहिए तो मुझे निजाम के गहने चाहिए, समझा? ये चाय वाला आ गया रे। चाय लो। ए, मुझे एक पीछे दे। ए, मुझे भी दे। अबे अरे गिलास, लाइट चली। ओह, अरे अंदर आना इतना आसान था? अरे बाप रे, इतने गहने, क्या बात है? अरे नवाब जी, इतने गहने छोड़कर चले गए। ये देख, ये नवाब के पास ना ये वाला है। ए, 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 मैं हूं रे। भाई, मैं बच्चों को कहानी सुनाने वाला कोई चंदा मामा नहीं हूँ। नवाब, मैं निजाम नवाब। निकाल लो, सब निकाल लो। भवानी भवानी भवानी, पुलिस है।
मैंने बुलाया था रे। अरे बेवकूफ, निजाम के गहने इतने आसानी से मिल जाएं, आंध्रा पुलिस और सेंट्रल पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है। ये रहा 400 करोड़ का चेकअप डायमंड, ये नकली है, दरअसल असली अंदर है, वहां पर। निजाम के गहने चुराना मंदिर के सामने जूते चुराने के समान नहीं है रे दोस्त। सामने देख बड़ा नवाब तू। मानता हूं नवाब बनना मेरे लिए मुश्किल है, पर जेल से बाहर निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है। 10 साल बाद वापस आऊंगा, फिर तुझे देख लूंगा। नो प्रॉब्लम, 10 साल तो आराम से रहूंगा ना। 10 साल नहीं भवानी, 10 जन्म तक तुम आराम से रह सकते हो। लदान, मैंने तुम्हें सोसाइटी में रहने के लिए लाइसेंस दिया था, पर तुमने गुंडागर्दी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ऑब्जेक्शन कमिश्नर सर, अगर ये सब नकली है तो फिर हमको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब दो, बोलो। हाँ, हमने नाटक खेला। पर एक बात बताओ, तुम लोग विजयवाड़ा से हैदराबाद कौन सा नाटक खेलने आए थे बताओ? ये क्रिमिनल मोटिव है, राइट? यू आर अंडर अरेस्ट, टेक देम। ये सब लोग हैदराबाद के सेल में रहेंगे। और मेरे प्यारे मित्र लदान, तुम विजयवाड़ा सेल में नहीं, मेरे पर्सनल सेल में रहोगे, समझे? चलो। Congratulations. Hello. Thank you. Thank you very much. अच्छी लाइफ में कोई फर्क पड़ा? हमें बताइए ना। यहाँ पे सब लोग हैं, बाहर चलते हैं। लदान को अंदर करवा के आपको कैसा लग रहा है? लदान को पकड़वा के आते हैं। नमस्कार। सर, ये सब क्या है? हाँ तो भवानी, बदले हुए भवानी के अड्डे की हालत कैसी है ये लोग देखना चाहते हैं। लदान के घर का एड्रेस हमने बदल दिया है। भवानी, तुम वाकई में अच्छे इंसान बन गए हो। भवानी का तो ठीक है सर, पर इनका क्या होगा? हमारा क्या होना है सर? जिस हाल में हमारा राजा रहेगा उसी हाल में हम सभी लोग रह लेंगे। क्यों रे? हाँ सर। आप जरा रुकिए, माँ जी आप जरा इधर आइए, इधर आइए ना, आइए इधर आइए, यहाँ पर आइए। भवानी के बारे में कुछ बताइए। हम यहाँ दो ही जन को जानते हैं, एक दुर्गा माँ और एक भवानी। ठीक है, आप वहाँ जाके बैठिए, ओके? तुम्हारा नाम क्या है? राजू। राजू सर। हमेशा भवानी के साथ रहना, ठीक है सर? राइट, ओके सर। क्या नोट कर रहे हो? कैरम सर। नोट दैट, भवानी अगर नहीं सुधरता तो यहाँ पर ये कैरम नहीं बल्कि बहुत सारे हथियार दिखाई देते। इन बच्चों को देख रहे हो? और हाँ, ये न्यूज क्लियरली कल फ्रंट पेज पर छाप देना। यू मे गो नाउ। ओके सर। ओके सर। यस बाय सर। चलो हम चलते हैं। और मेरी बात सुनो, चलता हूं फ्रंट पेज पर कलर फोटो छापना। थैंक यू। यू मे गो नाउ। चलो हम चलते हैं। यप, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक्स बोलने से काम नहीं चलेगा, पहली बार तुम्हारे घर आया हूं। हाँ बस 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 बस, खाना अच्छा है। अनमा सर कुछ बोल रहे? वाकई में अच्छा बनाया है। खाने में ऐसा क्या मिलाया कि ये लोग इतनी जल्दी सुधर गए? अभी ऐसा मौका नहीं मिला है मिलाने का, ये लोग बदले हैं तो अपनी वजह से। खाना भी अच्छा है, तुम्हारी बातें भी। ले सब्जी। ए, अरे किधर खो गया? भवानी, भवानी। अब कमिश्नर, भवानी खाना तीखा लगा? ममता ज्यादा हो गई है सर, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। हमारे भाई का लव फेल हो गया है। फेल हो गया हमारे भाई का लव, फेल हो गया। ये क्या? सर जिस तरह आपने हमें बचा लिया उसी तरह भवानी का प्यार बचा लीजिए। सर
बाबूजी बाबूजी। हाँ बेटा, फोन पे बात किया था ना, कमिश्नर आ गए। ओ मेहमान आ गया, आइए आइए, चलिए चलिए, मेहमान आ रहे हैं, आइए आइए, आ रहे हैं, आइए। नमस्ते नमस्ते। अरे बाप रे, ये गुंडा, अरे फिर हमारी गुंडा यहाँ पे क्या कर रहा है? आप बोलने से पहले मैं बोलूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। यहाँ किसी को हिंदी आती है? मुझे आती है सर, मैं मनीषा की बड़ी बहन हूँ। बेटी तुम यहाँ बैठो, भवानी बैठो। अरे भाई बैठ जाओ ना। मनीषा घर पे नहीं है क्या? हाँ यही है। मनीषा जरा नीचे आना। मनीषा मनीषा, कमिश्नर सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठ जाओ। आपके घर पर कमिश्नर आया है ये सोचकर आपको घबराहट हुई होगी ना? सच बोलूं तो अभी तक हम लोग उसी टेंशन में हैं सर। ओके, मैं डायरेक्ट विषय पर आता हूँ। आपकी बेटी को बाहर वाला प्यार करेगा, आप कबूल करेंगे? एक मिनट सर, श्रीराम जरा इधर आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरे हस्बैंड है रतन श्रीराम। हाँ बोलिए। हाँ सर, देखने में मरवाड़ी लगता हूँ मगर मैं तेलुगु वाला हूँ। कृष्णलाल कांति शाह। आई सी। वी वर इन लव। मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। कुल क्या है, गोत्र क्या है, इन लोगों ने नहीं पूछा। बस लड़का स्वभाव में अच्छा है, मेहनती है, दैट्स इट। और उसके बाद हमारी शादी हो गई, फिर डैडी ने ही इन्हें US भेजा। गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ प्यार के खिलाफ कोई नहीं है? हाँ मैंने कहा ना सर, हमारे घर में प्यार के खिलाफ कोई नहीं है। बचपन से जो भी गलतियाँ करनी थी भवानी ने कल तक की, अब ये इससे प्यार करता है, मनीषा का क्लासमेट है। मनीषा ने मुझे सब कुछ बताया कि ये इससे प्यार करता है। लव के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये कुछ नहीं होता। कमिश्नर होने के बावजूद भी एक गुंडे को, एक्स गुंडे को एक अच्छा नागरिक होने का सर्टिफिकेट दिया, क्या आप विश्वास करके लड़की दे सकते हो? तभी लड़की का हाथ मांगना है। कुछ टाइम चाहिए सर। कितना? 2 दिन, महीना या साल? 5 मिनट सर, मुझे डैडी से मनीषा की बात करने के लिए। पापा आप अंदर तो चलिए, मैं समझाती हूँ। माँ मैं समझाऊँ तो अंदर तो चलिए, मैं बताती हूँ। चलिए तो सही, माँ आप अंदर तो चलिए। चलो चलो अंदर, बताइए। डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो बेटी, तुमने उसे अच्छा लड़का समझकर प्यार किया, तब वो गलत था। जब वो सुधर गया तो उसे बुरा समझकर छोड़ रही हो। फर्क समझ आया? हाँ सर, मेरी फैमिली ने अंदर ओके कहा। ओ थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। मनीषा को ऐतराज ना हो तो अगले हफ्ते एंगेजमेंट करेंगे। ओ फैंटास्टिक। भाई को मुबारकबाद दो। ओ हो अनम्मा, आज हम सबको अच्छा खाना चाहिए, भवानी भाई की शादी हो रही है। सुनो माँ, तुम सबसे बड़ी हो, माँ का पोस्ट दिया ना तुमको, और ये सब क्या है, एक दिन में इतने सारे बना डाले क्या तुमने? भाई खाना शुरू करें क्या? अरे नहीं बेटा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए मुझे पहले। मेरे बेटे को मच्छी बहुत पसंद थी, मच्छी की खुशबू पाते ही वो पागल हो जाता था। उसके गले में कांटा फंस गया था क्या, इसी वजह से मरा वो? अगर मेरे बेटे को ऐसी मौत होती तो भगवान को 4 बातें सुनाकर दिल की तसल्ली कर लेती। मार दिया मेरे बेटे को, मार दिया। मुझे देना माँ। रुको जरा, रुको। देती हूँ बेटा, देती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ। सपने लेकर आया था, मैंने सोचा वो मेरे लिए मच्छी क्या, मच्छी की पूरी दुकान खरीद कर देगा, मगर लालच में बुरी आदतों को अपना लिया और गुंडों की गिरोह में शामिल हो गया।
कागज के टुकड़े को फाड़ने के लिए आदमी 10 बार सोचता है, मगर मेरे बेटे की लाश पत्थर बनाकर सरकार ने भेज दी। देखो देखो, अच्छे तरह से देखो, ये मेरा बेटा है। देखो अच्छे तरह से देखो, तुम्हारे बेटे को। रुक रुक नमा, मुझे खाना तो, मुझे भूख लगी है। ए, रुक जा। तुम्हारे बेटे को हमने मारा। सब जानती हूँ, जानती हूँ तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारा है, अच्छी तरह पता है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ये जान लो तुम। हथियार पकड़कर मारने की उम्र नहीं है मेरी, इसीलिए मैं यहाँ खाना बनाने आई। तुम लोगों के खाने में जहर मिलाकर तुम लोगों को एक साथ मारना चाहती थी। समुद्र की लहरें जैसे रुक नहीं सकती, बिल्कुल उसी तरह जहर खाने के बाद इंसान बच नहीं सकता। डरो नहीं, इसमें नहीं मिलाया। मेरे बेटे की कसम, खाना खा लो तुम, बिल्कुल डरो मत, खाना खा लो। हर दिन सोचती थी खाने में जहर मिलाऊं, तुम लोगों को शमशान घाट पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं रुक गई। बेटे की ममता ने मुझे मजबूर कर दिया। जब जेमिनी ने मुझसे कहा कि मैं पैदा होते ही बुरा नहीं था, पैदा होने के बाद हुआ, तो मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। क्या करूं, मैं भी एक माँ हूं ना। जहर मिलाया हुआ खाना मैंने बाहर फेंक दिया। जिस लड़की से प्यार करता है उससे शादी करने जा रहा है, अच्छी बात है बेटा, खुश रहो। अनमा। नहीं बेटा, मुझे जाने दो। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो हर वक्त तुम्हारे दिमाग में शक बैठा रहेगा, तुमने मेरे बेटे को मारा, और इस गुस्से में शायद मैं जहर मिला दूं। ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, चलती हूँ। अनमा, तुम चाह कर भी खाने में जहर नहीं मिला पाई, अगर मिला भी देती तो हम लोग खुशी खुशी खा लेते। नहीं बेटा, माँ अपने बेटे की चेहरा देखती है, आखिरी पल नहीं। ये सूटकेस लेके अंदर जाओ, जाओ जाओ। नहीं नहीं, ले जाओ ले जाओ, छोड़ो। नहीं, और सुन, वो डॉक्टर का नाम क्या है? पहले तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाएं। नहीं, जरूरत नहीं। अनमा, अनमा, मुझे अपना सगा बेटा समझो। गलती हो गई है, माफ कर दो प्लीज। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भवानी किधर है? भवानी भाई, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे। भवानी, कमिश्नर ने बुलाया है। चलिए। भवानी, अपनी सगाई के बारे में कमिश्नर साहब को याद दिलाना। ठीक है। क्या बात है, कमिश्नर साहब का सम्मान हो रहा है। हेलो, पुलिस कमिश्नर बनने के बाद फर्स्ट कॉल मैं तुम्हारा रिसीव कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस अस। मेरे नाम से अर्चना करवाने मंदिर जा रही हो? थैंक यू। दुर्गा माँ के मंदिर जा रही हो? पार्वती पार्वती, उधर गहने पहन कर मत जाना, पुलिस वालों की बीवी की सेफ्टी नहीं है। ओह सॉरी, सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस वालों की बीवी को सिक्योरिटी नहीं मिलती, समझ रही हो ना? ओह ठीक ठीक है। थैंक यू थैंक यू। सर, मेरी दिली इच्छा है कि आप राजनीति में आकर मुख्यमंत्री बनो। खामोश। मेरे इस ऑफिस में आकर किसी ने भी अगर राजनीति की बात की तो लाठी से मारूंगा। कम हियर। अभी कुछ बात मत करो। ओके, सब लोग जाओ, सब लोग गो। कांग्रेस सर। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। कौन हो तुम? मैं भवानी। घायल शेर कभी अपने दुश्मन को नहीं भूलता, उसी तरह मैं भी घायल शेर हूँ, समझे? मैं भी नहीं भूला हूँ। अरे तू भवानी है? हाँ, आजा आजा। हाँ सुनो, मेरे बुलाने पे ये यहाँ आया, अब मेरे कहने पर तुम दोनों आपस में हाथ मिला लो।
गुंडे लोगों को तो बाहर वालों को मारना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अगर एक भवानी और एक लदान मिल जाए तो दो हो जाएंगे, एक लदान एक भवानी। इसमें सबका फायदा है, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। हाँ चलो हाथ मिलाओ। कमिश्नर साहब कहाँ? अरे मैं ही यहाँ का कमिश्नर हूँ। तुम्हारा पुराना कमिश्नर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया है, वहाँ वो पुरानी गाड़ियों के टायर ट्यूब नट बोल्ट काउंट कर रहा होगा अब तक। ए बच्चा बैठ जा, बात करनी है। तू बैठ रहे? आग में ज्यादा घी मत डाल, तू बैठ, मैं बात करता हूँ, बैठ। ऐसा बिल्डअप देके मत बैठ, करंट लगेगा उसको। हाँ तो बोल। सर इसकी वजह से मैं भिखारी बन गया, इस मिट्टी से मेरी ताकत फिर से बढ़े, इसे साथ रखूंगा, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ए, बेटा गुस्से में मत आ, तुम्हें नहीं छोड़ने का मतलब उसमें गुस्सा नहीं प्यार है, मतलब वो ये कहना चाहता है तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर इसने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो जो हाल पाकिस्तान का हुआ है वो इसका होगा। क्या करेगा तू, फिर से मुझे फंसाने का प्लान करेगा? तू चुपचाप यहाँ बैठना वरना तेरा भवानी सर्कल बना देगा। तेरे लिए प्लान कैसा रे? पान जैसा है रे, मुंह में लेकर चबा डाला तो थूक के साथ निकलेगा। तू मुझे चबाएगा? तब है तो चबा, अगर मन का बच्चा है तो चबा। कमिश्नर देखो चबा, चबा मुझे, आना। ए, चबा मुझे, चबाने के लिए मुंह में दांत चाहिए, दांत है क्या? मैं भी शेर का बच्चा हूँ। ए कम ऑन, मैंने बोला था ना बिना मतलब का सर्कस हो जाएगा। अभी तो उसने अपना नाम छोड़ा है, अगर वो अपने कपड़े उतार के बेयर बॉडी दिखा देता ना तो तुम तो यही खड़खड़े मर जाते। हेलो भवानी, कैसे आना हुआ? पद्मावती, अरे अरे क्या कर रही हो? देखो 97 में हथियारों की चोरी हुई थी, वो वाली फाइल लेकर आओ। ऐसे चारों तरफ क्या देख रहे हो? गवर्नमेंट मतलब सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं भवानी, ये भी एक डिपार्टमेंट है। ये बस देख रहे हो, इसका एक भी टायर निकल गया तो बस आगे नहीं बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट खराब हो जाए तो सरकार आगे नहीं बढ़ सकती, इसीलिए ये फाइल खोल रहा हूँ। अब देखना इन बड़े लोगों के नाक में मैं कैसे दम करता हूँ। फिलहाल एक नया कमिश्नर आया है और लदान बाहर आया है, इसी बात का टेंशन है ना? डरना मत, बारिश के पहले जमीन में बीज बोना पड़ता है, फिर बारिश होती है, फिर पौधा आता है, उसी के बाद अनाज मिलता है। उसी तरह तुम भी अगर अपना ख्याल रखोगे तो महात्मा जैसा महान तो नहीं पर अच्छा इंसान बन सकते हो। गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ट्रांसफर सस्पेंशन ये मामूली बातें होती रहती है, तुम इस बात की फिक्र मत करो, जाकर एंगेजमेंट की तैयारी करो। जाओ। पद्मावती। अरे कमलेश्वर जी, दूल्हा अपना भवानी है, उसके हिसाब से सूट बनाना, भवानी पर फिट होना चाहिए। क्या हुआ बोलना भाई? वो लदान बाहर आ गया। कमिश्नर को हटाकर जोशी को नया कमिश्नर बना दिया। ए, ये मैटर भवानी को पता है? पता है, थोड़ी देर पहले लदान का फोन आया था, भाई वहीं पर गया है। अकेले गया है? हाँ भाई। ए, कदा कहीं का अकेला क्यों जाने दिया, क्यों जाने दिया? भवानी कहाँ है बता? भवानी, भवानी, भवानी कहाँ हो तुम? भवानी, भवानी, भवानी,
भगवान बिना वजह नहीं आते। जब भक्त लोग तकलीफ में हो तो भगवान उन्हें बचाने आते हैं। उसी तरह भवानी भी यहाँ तभी आएगा जब तुम लोग तकलीफ में होगे। अरे भाई, जैसे तुमको इसको धोखे से यहाँ बुलाया, उसी तरह इसके भाई को भी यहाँ लेकर आओ। मैं भवानी की तरह अपने आप को बदल कर इस तरह बिल्कुल नहीं जी सकता, इसलिए मैं लदान भाई से आकर मिल गया, समझे? अब भवानी को भी लेके आऊंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा। भाई, शादी की डेट फिक्स हुई? अभी फिक्स नहीं हुआ है। इसको क्या हुआ राजू, क्या हुआ, हुआ क्या तेरे को? भाई, उन लोगों ने मुझे मारकर हैंड को किडनैप कर लिया, और अगर हैंड जिंदा चाहिए तो बोला है भवानी को लदान से आकर मिलना होगा। भाई मत जाओ भाई। नहीं भाई, मुझे जाना होगा। कैसे छोड़ दूँ सबको? अरे बच्चा, हैंड कहाँ है? मेरा हैंड इधर है, तुम्हारा हैंड अंदर है। एक बारी तेरी धड़कन हमारे मुट्ठी में है। मेरी पीठ पर छुरा भोंकने वाले को कैसे छोड़ दूंगा? उसे कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, उसे छोड़ दो प्लीज। अगर उसे कुछ हो गया ना, बल्कि सच्चे दिल से विश करने आई हूँ। भवानी जैसे लड़के को कौन लड़की छोड़ना चाहेगी? एक लड़की होने के नाते दिल में कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, लेकिन एक फ्रेंड होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ। आई स्वेर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय। क्या हुआ टिंकू, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? भवानी, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ? हाँ, तबीयत खराब है। What happened? मेरा हैंड मर गया। वो मर गया? क्या? लाथन ने मेरी आंखों के सामने से मार दिया। चलो कमिश्नर साहब के पास चलते हैं। नहीं मनीषा, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना। भवानी, हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं ना? तो मेरी बात मनीषा, तुम्हारा और मेरा रास्ता। हाँ। देखो, तुम्हें पकड़ने से मेरा हाथ यूं कांपने लगा है। हाँ। मेरी वजह से तुम्हारी लकीरें छोटी हो जाएंगी, हमें अलग होना ही होगा। मनीषा सुनो, मनीषा जो मैं कहता हूं, मेरे हाथों से आज तक खून नहीं हुआ है, लेकिन अब होने जा रहा है। मारूंगा या मर जाऊंगा पता नहीं। भवानी, क्या तुम पागल हो गए? पागलपंती नहीं है ये, बेबसी। मेरे आंखों के सामने कृष्ण बाबू, आज हैंड, कल मैं, मेरे बाद तुम। मेरे लिए कोई नहीं मरेगा। जिस इंसान ने मुझे अच्छा बनने से रोका है,
उसे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। भवानी, भवानी। हर किसी के लिए कोई ना कोई जन्म लेता है, तुम्हारे लिए भी कोई होगा। नहीं। लेकिन वो मन पर वार करने वाले के साथ यही होता है। लदान को चुपचाप छोड़ दे। भवानी, मनीषा तुम अंदर मत आना। ये क्या कर रहे हो? भवानी, मुझे पता है कि तू ऐसे बाहर नहीं आएगा, मगर तुझे बाहर बुलाने का मेरे पास अलग तरीका है, पुराना तरीका। अब तुम्हारी मनीषा मेरे हाथों में है, तेरी लवर की लाइफ फिनिश हो जाएगी। एनकाउंटर के बीच में आ गई बोलकर फाइल बंद कर दूंगा, ये टेक्निक है। कमिश्नर अपना लिमिट संभालो। अरे परमिट, मिस्टर ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक के लॉ एंड ऑर्डर के बीच में तुम आ गए हो, एनकाउंटर में मारे जाओगे, ऐसा मैं पेपर में लिख कर सबको बता दूंगा। भवानी, बाहर आते हो कि नहीं? भवानी, प्लीज तुम बाहर बताना। कमिश्नर मुझे बचा लो, भवानी मुझे मार डालेगा। कमिश्नर, भवानी से मुझे बचा लो। कमिश्नर, बचा लो, मार दो इसे, गोली मार दो।
लदान लदान मेरे लदान मेरे, अरे मिलाओ हाथ। बेवकूफ बन गया ना। टेक्निक, नया टेक्निक। शर्ट बदली कर लिया, कैसी लगी मेरी मिमिक्रिया? भवानी भवानी भवानी, क्या रे सिनेमा समझ रहा है क्या? उसमें से बुलेट आने के लिए बुलेट होना भी तो चाहिए। एक यहाँ पे मारा, एक यहाँ पे मारा, एक पीछे मिट्टी में मारा, और तीन तूने वहाँ पे दाग डाले। कितने? तीन। अभी कितने हुए? लदान। अरे तो हो गया ना खत्म। अरे और क्या होगा, चल पीछे चल। लदान लदान को मैं मारना चाहता, बीच में तुम आ गए, और तुम्हें देखा तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बाकी तो आप समझदार हैं। भवानी लास्ट टच। कमिश्नर कॉलिंग ओवर। कमिश्नर आपका रिलीफ ऑर्डर आया है, आप इमीडिएट पंजी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए। आपके असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को चार्ज हैंड ओवर कर दीजिए। दो दिन बाद तुरंत ज्वाइन। इधर भी ओवर। भवानी सर, मेरे नए सिद्धांतों को तुमने सही साबित किया। ऑल द बेस्ट। मेरे हाथ में मिट्टी है सर। हाँ मिट्टी, कम ऑन मैन।